तो गाइस कल बिग बॉस के घर में यहाँ पर आपको शहनाज वर्सेस विशाल देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कैप्टनसी कार्य में यहाँ पर शहनाज और विशाल आदित्य सिंह कैप्टनसी के एक दावेदार बन चुके हैं। आपने जैसा आज के एपिसोड में देखा भी होगा, जब घर वालों ने यहाँ पर एक दोबारा से स्ट्रेटजी अपनाई कि वो इस कार्य को रद्द कराना चाहते थे, तो बिग बॉस ने ये फैसला लिया कि जो दो रोबोट्स फ्री थे उनको यहाँ पर कैप्टनसी का जो दावेदारी है वो दी जाएगी। हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है यीशु समर, ले आया हूँ आपके लिए बिग बॉस के घर से चटपटी खबर। आप देखते रहिए द टॉलीवुड रिपोर्टर। तो गाइज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अपील है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ सबसे पहले। अब बात करूँ कल होने वाले एपिसोड की, तो यहाँ पर शहनाज वर्सेस विशाल के बीच एक टास्क होने वाला है। बिग बॉस ने एक टास्क दिया है जिसके तहत यहाँ पर घर वालों की जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, वो उन्हें यहाँ पर नष्ट करनी होंगी, जिसको भी वो हेल्प करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर शहनाज और विशाल रश्मि देसाई के पास भी जाते हुए दिखते हैं, वहीं दोनों आसिम को मनाते हुए भी दिखते हैं और साथ में यहाँ पर माहिरा को मनाते हुए भी दिखते हैं, जहाँ माहिरा साफ साफ मना कर देती है कि वो अपनी जो मॉम की पिक है वो नहीं फाड़ने वाली है। तो कौन कल के इस टास्क में इन दोनों की मदद करने वाला है और कल का जो है वो घर का कैप्टन कौन बनने वाला है, ये देखना होगा। मुझे लगता है कि आसिम यहाँ पर विशाल की मदद कर सकता है और माहिरा भले ही उसकी शहनाज से ना बन रही हो, लेकिन वो दोस्ती के खातिर शायद यहाँ पर शहनाज की मदद करती हुई दिखे और उसके बाद कुछ और डायनेमिक्स करते चेंज होते हुए दिखे, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। कीप ऑन वॉचिंग द टॉलीवुड रिपोर्टर।